अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेबफ्लो की सीरीज़ का बकायदा आगाज़ करेंगे। जैसे कि उन्होंने अपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिया था, तो आज हम बकायदा स्टार्ट लेते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने ये पेज इंशाल्लाह डेवलप करना है विद इन वेबफ्लो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर नया बार है, ये होवर पे नए आइटम्स के मेन्यू आइटम्स के कलर चेंज हो रहे हैं। सिमिलरली ये सोशल आइकन्स है और इसके भी कलर होवर पे चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं स्लाइडर लगा हुआ है, और ये स्लाइडर जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। देन उसके बाद हमारे पास अबाउट अस का सेक्शन है, एंड इसी तरह फिर सर्विसेज का सेक्शन है। यहाँ पर ये पोर्टफोलियो का सेक्शन है जिसके अंदर एक स्लाइडर काम कर रहा है। देन इसी तरह आवर टीम, और फिर ये कुछ अपने इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये माइनर सी आप देख रहे हैं कि एनिमेशन लगी हुई है। हम इसी तरह का इंशाल्लाह सब काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीखेंगे। ये टेस्टिमोनियल का स्लाइडर लगा है, डिफरेंट किस्म के स्लाइडर्स लगे हैं। हम सबके सब डिफरेंट किस्म के जो यहाँ पे स्लाइडर यूज़ हो रहे हैं उन सबको बनाना सीखेंगे विद इन वेब फ्लो। और ये आप देख रहे हैं कि माइनर सी एनिमेशन लगी है होवर पे, और उसके बाद साइड फुटर है। तो आइए बकायदा स्टार्ट लेते हैं। हम नेव बार से स्टार्ट लेंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ले रहा हूँ ताकि जो लोग बिल्कुल वेब फ्लो में न्यू है और उनको यहाँ तक नहीं पता कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, जिनको HTML CSS किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, तो हम उन लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैं क्लिक करता हूँ। मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। बेसिकली इसके लिए सिर्फ आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, किसी भी किस्म के रिसोर्सेज। जिस तरह आप वर्डप्रेस में ज़ैम्प या वैम्प लेते हैं, या इस तरह की किसी चीज़ की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। सब चीज़ें जो हैं वो सर्वर पे काम कर रही हैं। आपको सिर्फ क्रेडेंशियल्स चाहिए, यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए अपने अकाउंट में लॉगिन होने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये बॉडी है। जैसा कि HTML का कोड लिखते हुए आपके पास एक बॉडी होती है, तो ये बॉडी है। इसके अंदर हम सारा काम करेंगे जो इस टाइम फिलहाल ब्लैंक है, और हम इसको एज इट इज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैं इस टूल का इंट्रो लास्ट प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, तो अगर किसी को इस टूल का आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक है, वो उसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, और हमारा टारगेट है नैव बार बनाना। तो हम यहाँ पर एलिमेंट में आएंगे, और सबसे पहले यहाँ पर एक नैव बार का एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे और वो हमारे बॉडी में आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर चीज़ें रेडी टू यूज़ हैं, जस्ट हमने उनको कस्टमाइज़ कर लेना है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो हम जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि एक लोगो है, फिर उसके बाद ये मेन्यू आइटम्स हैं, और फिर सोशल आइकन्स हैं। तो हमने इस तरह का कुछ बना के इंशाल्लाह पेश करना है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो उसको आप प्रॉपर क्लासेस डिफाइन करते हैं ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म के टेक्निकल इशू फेस ना करना पड़े। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, या क्लास दे देता हूँ, साइट नेपार। और जितने भी इसमें एलिमेंट हैं उन सबको मैं प्रॉपर क्लासेस दे देता हूँ। नैव कंटेनर, ये बेसिकली कंटेनर यूज़ हुआ हुआ है, तो मैंने इसको नैव कंटेनर कह दिया। ये ब्रांड जो है ये लोगो के लिए यूज़ होता है, तो इसको मैं कह देता हूँ साइट लोगो। सिमिलरली इसके अंदर आपके मेन्यू आइटम्स पड़े हैं, तो मैं इसको कह देता हूँ नैव मेन्यू। और इसके अंदर आपके नैव लिंक, ये मैं बाकी नैव लिंक्स को भी पेस्ट कर देता हूँ। देखने जैसे ही आपने नैव लिंक पेस्ट किया, उसने कहा एग्जिस्टिंग क्लास, तो मैं कहूँगा जी एग्जिस्टिंग क्लास ही आप इस वाले आइटम को भी दे दें, ताकि जब भी आप किसी भी CSS की प्रॉपर्टी में चेंज करें तो वो जितने भी इसके आइटम्स हैं सब के लिए यूज़ हो जाए। जस्ट क्लिक्स पे सारा काम आपका हो रहा है, और ये जो आपका मेन्यू बटन है ये आपका बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है। इसको भी हम क्लास से देते हैं मेन्यू आइटम, सॉरी मेन्यू बटन। अब बकायदा हम इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या है इसका, तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम टाइम बचा सकें। ये हमें कलर कोड चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से सिर्फ कलर कोड कॉपी कर रहा हूँ, और अब मुझे देना कैसे है इसको
मैंने ये साइट नेफा पे क्लिक किया और स्क्रॉल डाउन करके बैकग्राउंड पे आ गया, और यहाँ पर आके इसको बैकग्राउंड कलर कर दिया। ये देख रहे हैं आपने कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब उसके बाद हमें ये कलर जो मेन्यू आइटम्स हैं इनके कलर हमें वाइट चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके इसके टिपोग्राफी में जाएंगे और इसका कलर हम वाइट का कोड होता है 6F, तो हमने उसको दे दिया। आप देख लें, अब ये सेम क्लास होने की वजह से जितने भी मेन्यू आइटम्स थे सबके ऊपर वो चीज़ अफेक्ट कर गई है। अब यहाँ पर आपके पास टोटल 6 आइटम्स हैं, तो मैं 6 आइटम्स ले लूँगा। जस्ट इसको होम को मैंने कॉपी किया, दो दफ़ा मज़ीद पेस्ट कर दिया, और वन थिंग मोर, मुझे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन चाहिए समथिंग लाइक दैट पोर्टफोलियो के लिए। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट्स में जाऊँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा और ये आपके पास ड्रॉप डाउन का एलिमेंट पड़ा हुआ है, जस्ट इस पे एक सिंगल क्लिक कर दूँगा तो ये आपके उसमें मेन्यू में ऐड हो गया है। सबसे पहले मैंने प्रॉपर क्लासेस दे देनी है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं इसको दे देता हूँ ड्रॉप डाउन, और इसी तरह फिर ड्रॉप डाउन टॉगल, हर चीज़ का जब प्रॉपर क्लास दी हुई होगी तो आप किसी भी किस्म की CSS या HTML की प्रॉपर्टी में यूज़ करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसको भी क्लास नैव लिंक की दे देता हूँ, या फिर सेपरेटल के नैव लिंक दे दूँगा तो वो आसानी हो जाएगी। देखिए इसका कलर भी वाइट हो चुका है। नैव लिंक की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, कलर की, टिपोग्राफी, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट हाइट, जो इसका लाइन हाइट होता है, तो वो सब अब ये भी उठा देगा क्योंकि मैंने इसको नैव लिंक की प्रॉपर्टी साथ में ऐड कर दी है। देन नेक्स्ट थिंग, हम अपना लोगो यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग न्यू हैं, जो लोग वेबफ्लो को या HTML CSS को नहीं समझते, वो एक एक चीज़ को समझ सकें। तो सबसे पहले मैं वेबफ्लो में आपको बता देता हूँ एसेट्स कैसे अपलोड करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एसेट्स पे, और यहाँ से मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करके अपने एसेट्स अपलोड कर लूँगा। तो मेरे एसेट्स पड़े हुए हैं, मैंने सबको कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। तो जो जो मुझे एसेट्स चाहिए वो मैंने ऑलरेडी एक फाइल में कंबाइन किए थे, तो वो सब के सब यहाँ पर अपलोड हो गए हैं। अब मुझे मेरा लोगो चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस लोगो पे क्लिक करके एक इसके अंदर डिप डिप लगा देता हूँ, और इस डिप को मैं कह देता हूँ लोगो इमेज, और इसके अंदर मैं एक इमेज का एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मीडिया में इमेज का एलिमेंट पड़ा हुआ है। मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया, यहाँ से चूज़ इमेज किया, और ये मेरा लोगो है, मैंने इसको अपलोड कर दिया। आप देख रहे हैं कि क्लिक्स के ऊपर जो है सब कुछ आराम से हो रहा है। नेक्स्ट थिंग ये कि मेरे जो लोगो का साइज़ है वो मैंने एग्जैक्ट अपने डिज़ाइन फाइल के साथ मैच करना है, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 30 पिक्सल है, मैंने यहाँ पर 30 दे दिया। वन थिंग मोर कि अब आप देख रही हैं कि लोगो आपके राइट टॉप पे जा रहा है, राइट लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जा रहा है, जो कि मुझे इस मेन्यू के साथ अलाइन चाहिए। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है CSS में फ्लैक्स बॉक्स, जिनको CSS नहीं आती, ये सिर्फ उनके लिए ये लाइंस में ऐड कर रहा हूँ। वो फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू हम चीज़ों को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हम मीन्स के एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग से बच सकते हैं। तो ये डिस्प्ले में सेकंड नंबर पे फ्लेक्स लेआउट है, मैं इस पे जस्ट क्लिक करूँगा। आप ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं, बट हम यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको वर्टिकली सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, तो आप देखें लोगो और टेक्स्ट सब एक इक्वल अलाइन हो चुका है। देन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं इनको मैनेज कर लूँगा। हम पहले इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको डिज़ाइन के साथ मैच कर लेंगे। तो नेक्स्ट थिंग, मुझे यहाँ पर सोशल आइकन्स चाहिए। सोशल आइकन्स के लिए मैं एक डिव इस नेव मेन्यू के अंदर एक डिव ऐड करूँगा, और उसको मैं नाम दे देता हूँ सोशल आइकन्स।
बेसिकली मैं क्लास दे रहा हूँ, दिस इज़ क्लास सोशल आइकन्स, और इसके अंदर मैं एक और टिप इंसर्ट करूँगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज ट्विटर आइकन। और इसका मैं एक फिक्स साइज़ और हाइट दे दूंगा जो कि अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन रिक्वायरमेंट 24x20 है। और इसमें मैं इसी तरह सेम जिस तरह मैंने लोगो अपलोड किया था इमेज के एलिमेंट ले लूँगा, बल्कि हमें यहाँ पर होवर पे कलर इसका चेंज भी करना है, तो हमने सब चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको बैकग्राउंड में ये सोशल आइकन अपलोड कर देते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप बैकग्राउंड। और यहाँ पर मैं ये प्लस पे क्लिक करके अपना बैकग्राउंड पे ट्विटर का इमेज अपलोड कर दूँगा। और अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो विड्थ है वो 12 है, और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, और यहाँ से मैं टाइल को क्रॉस कर देता हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा डिस्प्ले में, इसको एक मिनट देख लेता हूँ कि क्या इशू है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली मैंने ऑटो छोड़ दिया था, और अब मुझे यहाँ पर तीन आइकन्स चाहिए, तो मैं इसको दो दफ़ा मज़ीद पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका जो पेरेंट डिव है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और मुझे ये स्टेम वर्टिकल है, मुझे ये हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो मैं क्या करूँगा वही फ्लेक्स बॉक्स वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको हॉरिजेंटल कर लूँगा। ये डायरेक्शन आपकी हॉरिजेंटल हो गई, ठीक है। अगर आप वर्टिकल वापस करना चाहते हैं तो यहाँ से वर्टिकल कर लेंगे, अदरवाइज इसको हॉरिजेंटल रहने देंगे। और अब मुझे बेसिकली ये आइकन्स जो हैं वो इस मेन्यू आइटम्स के साथ अलाइन चाहिए, तो मैं इसके पेरेंट डिव पे जाऊँगा और इसको भी इसी तरह वर्टिकल कर लूँगा, और फिर यहाँ से इसको अलाइन सेंटर कर लूँगा। होपफुली चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम यहाँ पर इसको फेसबुक आइकन के लिए यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, तो इसका प्रोसीजर ही होता है कि हम इसको डुप्लीकेट क्लास करते हैं और क्लास का नेम चेंज कर देते हैं, FB आइकन कर देते हैं, और यहाँ से इसको मैं इसका जो आइकन है वो अपडेट कर देता हूँ, जैसे कि ये FB का आइकन मैंने कर दिया। सिमिलरली इसी तरह मैं इंस्टा के लिए IN आइकन कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इस इमेज को रिप्लेस कर दूंगा। सॉरी, ये नेम चेंज नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ IN आइकन, और यहाँ से आके मैंने इमेज रिप्लेस कर दिया। ये क्या प्रॉब्लम यहाँ पर दे रहा है? तीनों आइकन्स भी यहाँ पर सेट हो चुके हैं। उसके बाद अब हम इसको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉटम पे बॉर्डर लाइन है, तो हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं। बल्कि एक चीज़ और हम ऐड कर लेते हैं कि इसके लिए एक सेपरेट डिव ऐड कर लेते हैं, ताकि हम लोग अपने डिज़ाइन को मीट कर सकें। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि मैंने जस्ट यहाँ पर एक और ट्यूब डाला, और ये जितने भी नैव आइटम्स हैं इनको मैंने इस स्टेप में पेस्ट कर दिया या मूव कर दिया, और इस स्टेप को मैं नाम दे देता हूँ मेन्यू। और मुझे इसके नीचे एक बॉर्डर लाइन चाहिए जिसका कलर क्या होना चाहिए, समथिंग लाइक गोल्डन। मैंने यहाँ से कलर कोड कॉपी कर लिया, और इसके बॉटम में आके ये देख रहे हैं अब बॉर्डर्स है, मुझे अब इसका सिर्फ बॉटम बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ से डिव को सेलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पर कलर मैंने अपना रिप्लेस किया,
और मुझे कितने पिक्सल की विड्थ चाहिए उसकी, मुझे लेट्स सपोज 3 की चाहिए और उसमें शायद 3 ही है, तो मैंने इसको 3 कर दिया। वन चीज़ वन थिंग मोर के इस डिव की जो हाइट डिज़ाइन फाइल में दी गई है वो 68 पिक्सल है, तो मैं यहाँ पर साइज़ पे आया और इसका जो हाइट है वो मैंने 68 पिक्सल कर दिया। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक्सल उठाएगा। अगर आप इसको परसेंटेज या ईएम या सीएच में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मुझे पिक्सल में रिक्वायरमेंट है इसलिए मैंने पिक्सल के को क्लिक कर दिया। अब इसको हम लोग बेसिकली थोड़ा सा सेंटर में लाना चाह रहे हैं, तो मैं इसके पेरेंट डिव को कुछ फिक्स्ड हाइट दे देता हूँ। लेट्स सपोज हमारी डिज़ाइन में ये 90% है, तो मैंने इसको 90% कर दिया। और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर दिया, जो भी हमारी अकॉर्डिंग टू नीड है। मेरी यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू नीड है वो स्पेस अराउंड है, तो मैंने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, सेंटर अलाइन, सेंटर, ये आप जब यूज़ करेंगे तो आपको, या तो आपको CSS आनी चाहिए, अगर अदरवाइज आपको CSS नहीं आती तो आप इन चीज़ों को यहाँ से सिर्फ समझ लें, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको HTML और CSS आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारा जो है डेस्कटॉप वर्जन के लिए डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इसमें अब मैं इसको प्रॉपर नेमिंग्स भी दे देता हूँ, और सबसे पहले मैं इसकी टिपोग्राफी एग्जैक्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर फॉन्ट 12, मैं इसको एग्जैक्टली मैच कर लेता हूँ। तो मेरे पास, मैंने यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है जो इस टाइम एरियल है, और मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ज्वेलरी, आप देख रहे हैं मैं जिस पे लेके जा रहा हूँ वो आपके तमाम मेन्यू आइटम्स के फ़ॉन्ट को चेंज कर रहा है। मेरी रिक्वायरमेंट जॉर्जिया है, मैंने जॉर्जिया ले लिया, और वो होना चाहिए साइज़, उसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल होना चाहिए और कलर वाइट ही होना चाहिए। और सबसे पहले आपका होम है, सेकंड अबाउट अस और सर्विसेज है, तो वो भी इसको चेंज कर लेते हैं। और चेंज करने का तरीका ये है, आप टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक कर लो और अपना रिक्वायर्ड टेक्स्ट पे इसमें टाइप कर लो। एक प्रॉपर्टी मैं इसको और दे देता हूँ यहाँ से, कि जब भी आप इसमें कुछ भी टाइप करो तो उसका फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कैपिटलाइज एवरी वर्ड, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर लेट्स सपोज के भी मैं ये सर्विसेज कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली सर्विसेज का एस जो है वो कैपिटल ले लेगा। देख रहे हैं आप सर्विसेज, और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये पोर्टफोलियो हो जाएगा। देन इसी तरह और क्या है, टेस्टिमोनियल और कॉन्टेक्टर्स, इस कॉन्टैक्ट को हम कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं। और सिमिलरली इसी तरह टेस्टिमोनियल्स, तो ये ऑलमोस्ट डेस्कटॉप वर्जन के लिए रेडी हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल वर्जन है, मोबाइल वर्जन के लिए भी हम इसको अभी मैच कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इस पर ये बटन जो है ये वाइट कलर में चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके इसका कोड वाइट कर दिया। और ये मैंने चीज़ें अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट कर दी हैं, छोटी चीज़ों को हम फ्लेक्स के साथ हैंडल कर रहे हैं। अब हमारी जो डेस्कटॉप वर्जन के लिए है इसको हम देख, सॉरी मोबाइल वर्जन के लिए मेन्यू है, हम इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू अवर नीड कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हमने यहाँ पर 90% की विड्थ लगाई हुई है उसको हम अगेन ऑटो कर देते हैं, ताकि ये आपने देखा होगा कि अब हमारा ये फुल विड्थ पे आ रहा है। मेन्यू मोबाइल वर्जन के मेन्यू को भी हम लोग अकॉर्डिंग टू अवर नेट चीज़ों को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये सेटिंग के आइकन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने ये ओपन मेन्यू कर लिया, यहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है।
मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे यहाँ पर भी कलर को मैच करना है। मैंने यहाँ से कलर कोड को कॉपी किया, इस बटन पे क्लिक किया और यहाँ से मेन्यू को ओपन कर लिया। सबसे पहले मुझे इस कलर को चेंज करना है, जो कि क्लिक पे चेंज होना चाहिए। ये देख रहे हैं, मैंने जब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो यहाँ से कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह फिर यहाँ पर मेरे पास ये मेन्यू है, मैं इसके मेन्यू लेफ्ट मेन्यू के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरी क्लिक्स पे चेंज हो चुका है, देन अब मैं इस मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और ये ऑलरेडी इस टाइम यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइन है। हमें इस ज़रूरत है इसको कि हम इसको सेंटर अलाइन कर लें। मैंने यहाँ पर ये डिस्प्ले फ्लेक्स पे क्लिक किया, अब ये देख रहे हैं आप, ये इस टाइम हॉरिजॉन्टल है, बट मुझे ये जो है वर्टिकल में चाहिए, तो मैं इसको वर्टिकल पे क्लिक कर दिया और मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया, जो कि वर्टिकल करने से ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड, ये जो सोशल आइकन्स है, फिर मैंने इस स्ट्रिप पे क्लिक किया, इसको भी मैंने यहाँ से जस्टिफाई सेंटर कर दिया। और ये बॉर्डर जो है वो मोबाइल वर्जन के लिए हमें नहीं चाहिए, तो मैं इस बॉर्डर को यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। इस बॉर्डर को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से इस स्टाइल को क्रॉस कर दिया। सेकंड चीज़ ये कि इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि इसकी विड्थ को 24 से 54 कर देते हैं। इसी तरह इसको भी मैं 54 कर देता हूँ और ट्विटर के भी विड्थ को मैं 54 कर देता हूँ। कुछ यहाँ पर नीचे मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि इसको मज़ीद गुड लुकिंग की कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पर नीचे 20 पिक्सल स्पेस ऐड कर देता हूँ। तो अब इसको हम देखते हैं कि हमें कैसा लग रहा है। तो आई थिंक चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज हो चुकी हैं और ये हमारा 320 पिक्सल का जो मेन्यू है वो है। होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि हमने कैसे एक ये मेन्यू बना लिया। अब एक चीज़ अभी भी रह गई जो मैं फ़ौरन से ऐड कर देता हूँ, वो है होवर इफ़ेक्ट्स। तो मैं सबसे पहले इस कलर कोड को ले लेता हूँ जो मुझे होवर पे चाहिए। तो मुझे वो कलर कोड चाहिए ये गोल्डन, और मैंने इस पर क्लिक किया। अब होवर के लिए जस्ट क्लिक्स पे ही हमने करना है। मैंने ये नैव जिस जिस चीज़ का कलर चेंज करना है उसको सेलेक्ट किया, जैसे इस नैव लिंक का करना है। यहाँ से इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, होवर पे गए और यहाँ पर आके मुझे इसका टेक्स्ट कलर होवर पे चेंज करना है। तो मैं इस कलर को वाइट की जगह गोल्डन से रिप्लेस कर दूंगा। और अब ये क्लास एक्चुअली जहाँ जहाँ यूज़ हो रही है वो सबको चेंज कर देगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब अब होवर पे कलर अपना चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्मूथनेस ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कितना स्मूथनेस से कलर चेंज हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ नीचे इफेक्ट्स पे आऊँगा, ट्रांजिशंस पे आऊँगा और ओपेसिटी की जगह मैं यहाँ पर ऑल प्रॉपर्टीज दे देता हूँ और इसको 300 मिली सेकेंड कर देता हूँ और ईज इन आउट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि वो स्मूथनेस से कलर को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ ये कि इस एरो का कलर भी जो है वो गोल्डन है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, यहाँ से मैं इसको भी गोल्डन कर देता हूँ। और अब मैं सोशल आइकन्स पे आ जाता हूँ। सोशल आइकन्स के मैं होवर पे आऊँगा, सिमिलरली इसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके होवर, और मैं इमेज को अपना रिप्लेस कर दूंगा होवर पे। चूज इमेज, और सबसे पहले हमारा ट्विटर का गोल्डन इमेज आ गया। सिमिलरली अब मैं इस होवर को नन करूँगा और फेसबुक के लिए होवर पे आए और इमेज को गोल्डन वाले आइकन के साथ रिप्लेस कर दिया एंड इसको दोबारा से नन कर दिया। दोबारा मैं इंस्टा के लिए आया, होवर पे गए। एक्चुअली मैं इतना स्टेप बाई स्टेप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग न्यू हैं, जिनको HTML CSS किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, वो इसको इजीली लर्न कर सकें और अब अपना ये स्किल एक अच्छे उसके ऊपर अमाउंट के ऊपर आप फाइवर पे अपर पे सेल कर सकते हैं। मैं खुद फाइवर पे काम कर रहा हूँ, अपर पे काम कर रहा हूँ और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको 3 to 4 months में प्रैक्टिस करके अच्छा लर्न कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसको भी ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ।
उसी के उसके लिए वही सेम थिंग कैपेसिटी से मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, ऑल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर 300 ऐड कर दिया और सिमिलरली इसको इज इन आउट कर दिया। इसी तरह मैंने फेसबुक आइकन के लिए भी करना है ओपेसिटी, इसको भी मैं एक जनरल क्लास दे के कर सकता हूँ, बट अब आपको कॉन्सेप्ट ऑल इंशाल्लाह समझ आ चुका होगा, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह मैंने नैव आइटम्स के लिए किया, एक ही क्लास से सब चीज़ों को हैंडल किया, इसको भी मैं हैंडल कर सकता हूँ। और ये मेरा लास्ट आइटम रह गया जिसका नाम ट्विटर है, इसको भी 300 कर दिया और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब रेडी हो चुकी हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। वन थिंग मोर कि हमें यहाँ पर जब हम माउस लेकर आए तो वो आपका हैंड हैंड आइकन में चेंज हो जाए, पॉइंटर में चेंज हो जाए, उसके लिए क्या करना है, मैंने इस ट्विटर आइकन को सेलेक्ट करना है, इस पे ऑटो की जगह हैंड कर्सर ले लेना है। इसी तरह फेसबुक के लिए भी मैं यहाँ पर पॉइंटर ले लूँगा और इसके लिए भी मैं यहाँ पर पॉइंटर ले लूँगा। तो आप देख रहे हैं चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। तो आज के वीडियो में यही कुछ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है वो बैनर सेक्शन का या हीरो सेक्शन का स्लाइडर को लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच।